नमस्कार, मैं हेना प्रसून हाजिर हूँ आप सबों के समक्ष ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। मैं अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज चर्चा का विषय रहेगा वीनस ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो। जैसा हम सभी जानते हैं, शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण रहेगा वृश्चिक राशि में 2 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 2021 तक। शुक्र ग्रह फ्री फ्लोइंग वाटर साइन पाइसेस में उच्च के होते हैं। पाइसेस इनकी साइन ऑफ एग्जॉल्टेशन है, मीन राशि इनकी उच्च राशि है। हालांकि मीन राशि के स्वामी जुपिटर गुरुदेव बृहस्पति इनके शत्रु माने जाते हैं, पर ये शत्रु राशि में जाकर ही उच्च के होते हैं और अपनी मित्र राशि वर्गो में ये नीच के हो जाते हैं। इस कार्यक्रम को अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि दोनों से देख सकते हैं। यदि आपकी लग्न राशि कर्क है और चंद्र राशि मकर है तो आप दोनों राशियों के फलादेश को सुने तो आपको एक बेहतर ओवरव्यू मिलेगा। शुक्र ग्रह वीनस को हम ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, सेंसुअलिटी, मैरिज, व्हीकल इन सब के सिग्निफिकेटर मानते हैं। और कहा जाता है कि वीनस की अगर कृपा आपकी कुंडली में बनी हुई है और अगर वीनस की कृपा आपकी बर्थ चार्ट में बनी हुई है, कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके जीवन में कंफर्ट और खुशियां भरपूर मात्रा में रहेंगी। भले उन कंफर्ट के बिग टिकट आइटम्स को आपने खरीदा हो या नहीं, पर आप किसी और के भी खरीदे हुए इन सारे ऐशो आराम के सामान से आपकी लाइफ कंफर्टेबल रहेगी और आपका जीवन खुशियों से और सुखों से भरा हुआ रहेगा। और अगर वीनस आपकी कुंडली में एफ्लिक्टेड है या क्षतिग्रस्त अवस्था में है, शत्रु राशि में है या नीच राशि में है, तो सब कुछ आपने भले कमाया हो, खुद से कमाया हो, लेकिन आप उपभोग नहीं कर पाते हैं और आपके कमाए हुए उपभोग की बाकी सारी वस्तुएं दूसरों के काम आती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो शुक्र ग्रह को हम सर्वाधिक शुभ फल प्रदायक ग्रह मानते हैं और इनकी कृपा दृष्टि हम सबों को चाहिए। पुरुषों के लिए ये विवाह के कारक हैं और स्पाउस के कारक हैं। तो ये फलादेश आप इस तरह से सुने, और इस फलादेश को सुनने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में साझा करें। देखिए, वीनस अपने गोचर काल के दौरान, ये जो 27 दिन का गोचर रहेगा 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक का, इस बीच वो 3 नक्षत्रों को क्रॉस करेंगे जिसमें विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र हैं। अगर आपकी कुंडली में आपके शुक्र इन सभी नक्षत्रों को बिलोंग करते हैं तो आप यकीन मानिए ये गोचर, ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है या शुक्र की अंतरदशा चल रही है या मंगल की महादशा चल रही है या मंगल की अंतरदशा चल रही है तो भी ये फलादेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों के फलादेश को सुने। अगर मोटे तौर पे मैं बात करूं तो इस गोचर काल के दौरान जो सभी राशियों पर लागू होंगी, जब वीनस स्कॉर्पियो में आते हैं तो आपके प्रेम संबंध, ऐसे प्रेम संबंध जो दुनिया से छुपे हुए हैं, गुप्त संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता आती है। आपके लिए ये समय बहुत एंजॉयबल रहेगा। शुक्र और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, एक ब्यूटी और एक फायरी एनर्जी जब मिलते हैं तो बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके कोई ऐसी लंबे समय से चली आ रही एक इच्छा पूर्ति का भी समय है। और यहाँ पे मैं आपको यही बताऊंगी, आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें और आप में बदला लेने की प्रवृत्ति भी आ सकती है, खास करके अगर आप लिब्रा, टॉरस या स्कॉर्पियो साइन के हैं या एरीज साइन के हैं। तो आपको एक इन 27 दिनों में आप देखेंगे कि आप में कुछ बदला लेने की प्रवृत्ति जागृत हो रही है, या आपको ऐसा लग सकता है कि उसने तो ऐसा किया था भूतकाल में तो अब मेरे बदला लेने का समय है। तो इस तरह की ओछी मानसिकता से मैं बचने की आपसे आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी। और इसके साथ ही मैं आगे बढ़ती हूँ।
अब बारी है धनु राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में, शुक्र का ये वृश्चिक राशि में गोचर क्या परिणाम लेकर आया है, तो आइए एक संक्षिप्त चर्चा की जाए। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए वीनस उनके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में वीनस को 12th हाउस में ही वो एग्जॉल्टेड होते हैं, 12th हाउस उन्हें बहुत पसंद है। और लेकिन यहाँ पे आके आप, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके व्यक्तित्व में एक चार्म बढ़ जाएगा, सेंसुअलिटी बढ़ जाएगी, आप लोगों के लिए आप बहुत अपीलिंग आपकी पर्सनालिटी रहेगी, आप लोगों को अपने पर्सनालिटी और व्यक्तित्व के चमक से आप इम्प्रेस करते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत ही एक खुशनुमा स्थिति बन रही है। इन 27 दिनों को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। एक फाइनेंशियल फ्रंट पे मैं आपको वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूंगी कि आपकी खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी अपने पर्स स्ट्रिंग को बिल्कुल टाइट रखें, जब तक बहुत जरूरत ना हो आप खर्च ना करें। और अगर खर्च करें तो आप देखिए, एक दो चीज आप कर सकते हैं, आप कुछ वैसे मल्टीविटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स को आप खरीद के अपने पैसे से उसको खाइए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इस गोचर काल के दौरान आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप कुछ दवाओं का दान अपने आस पड़ोस या किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं, उसका दान कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको बचत करने की प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए और इससे आप इस गोचर काल के दौरान काफी, हालांकि आपके लिए बहुत ही एक फायदेमंद सिचुएशन है, पर थोड़ा सा खर्चों को लेकर मैं टेंस्ड हो रही थी आप लोगों के, तो उसका आप बस ध्यान रखिए। आपको फॉरेन से, विदेश से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या तो आप विदेश भ्रमण के लिए जा सकते हैं। आने वाले 27 दिनों में आप फॉरेन लैंड से संबंधित किसी न किसी गुड न्यूज से आपका साबका होगा। आप अगर बिजनेस एक्सपेंशन की सोच रहे हैं या अपने बिजनेस में आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए समय बहुत अनुकूल है। आप बिल्कुल खुशी खुशी आगे बढ़िए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। मैरिड नेटिव्स में मैं देख रही हूँ कि थोड़ी बहुत नोकझोंक और आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि आप, चूंकि आप धनु राशि के हैं तो आपसे ज्यादा समझदारी की उम्मीद की जाती है, तो आप स्थिति को भांप कर आप मौन व्रत को ही धारण रखें, यही ज्यादा बेटर है। आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से भी आपको लग सकता है, ये आभास आपको हो सकता है, ये रियलाइजेशन हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आपको उस व्यक्ति की परख हो सकती है, पहचान हो सकती है। तो कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपको काफी सारी समझदारी, बुद्धि और ऐश्वर्य देने आ रहे हैं। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।